वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी ना किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एक ऐसी खबर से जो खबर इन दिनों चर्चाओं में बनी है और वो चर्चा का विषय बन रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। मुद्दा है ईवीएम को लेकर। दरअसल अपने दर्शकों को ये बता दें कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आमना सामना हो रहा है। और सवाल यह है कि क्या ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएंगे, ईवीएम से चुनाव बंद होंगे या नहीं, ये तो एक सवाल है। हालांकि ये तो चुनाव आयोग की तरफ से तय किया जाएगा कि इस पर क्या कुछ कदम उठाना है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में उठाया जाएगा। विपक्ष का ये कहना है कि भाई इस पूरे मुद्दे को कोर्ट में उठाकर जो है हमें जीत ही मिलेगी। लेकिन ईवीएम के मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। ईवीएम के मुद्दे को लेकर कई राजनीतिक पार्टी के नेताओं का जो बयान सामने आ रहा है ये हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि क्या ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच जो लड़ाई चल रही है, ऐसे में विपक्ष क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवा कर ही रहेगा। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, या ईवीएम में जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ियां पाई जा रही है, और ये पिछले चुनावों में हुआ है। विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि ईवीएम में जिस तरीके की गड़बड़ियां पाई गई हैं, ये बताता है कि चुनाव आयोग की एक सबसे बड़ी लापरवाही है। चुनाव आयोग की जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि किसी भी तरीके से चुनाव को बेहतर तरीके से करवाया जाए, चुनाव के वक्त में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके की अराजकता ना हो। लेकिन जिस तरीके से इन दिनों विपक्ष ये कह रहा है कि जो सरकार है और जिस तरीके से चुनाव आयोग है वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में सरकार का और चुनाव आयोग का मिलकर काम करना और एक ही जो है स्थिति पर काम करना ये तो फिलहाल ठीक नहीं है। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि क्या आने वाले वक्त की तस्वीर बदल रही है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ईवीएम से चुनाव बंद करवाने को लेकर जनता की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी जनता है जो हमारे साथ जुड़ती है, और उनका भी ये कहना है कि सर वाकई ईवीएम से चुनाव अगर बंद करवाने की बात कही जा रही तो ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जो ईवीएम से चुनाव बंद करवाने की बात कही जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो उठाई जा रही है, हालांकि सत्ता पक्ष इसका पूरा समर्थन कर रहा है। सत्ता पक्ष का ये कहना है, और मौजूदा समय के अंदर जो सत्ता पक्ष की अगर हम स्थिति को देख रहे हैं वो तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि भाई आज के समय में जो वक्त चल रहा है, क्या ऐसे में सत्ता पक्ष ने पूरी सरकारी एजेंसियों को जो है वो कठपुतली पर नचाने का पूरा काम कर रखा, क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि सरकार के हाथों इन दिनों सरकारी एजेंसियां नाच रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग से जब पूछा जाता है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, और ईवीएम में जो गड़बड़ी हो रही है और अगर गड़बड़ी पाई जा रही तो क्या ईवीएम से चुनाव रोकेंगे, इस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों का कुछ बयान सामने आया जो कि जनता को सुनना चाहिए, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी ना किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर अभी की जो स्थिति है वो ये बता रही है कि भाई चुनाव आयोग सीधे सीधे तौर पर उन तमाम बातों को खारिज कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि अगर दिक्कत है तो दिक्कतों को दूर किया जाएगा। अगर परेशानी है या विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि भाई चुनाव जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहे या चुनाव को सही तरीके से कराया जाना चाहिए तो इस पर जो है कदम उठाया जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टी के जो नेता है उनका ये कहना है कि हम जो है वो अब इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे, और उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं रहा,
चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक रिपोर्ट, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। पहली बार नहीं है कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी, अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो वोट हमेशा बीजेपी को जाता है, तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों के की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे। हमने आगे माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे इस बारे में, सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है, हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। ये दोनों रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, तो देखिए सीधे तौर पर देखा जा रहा है, और क्या 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम से चुनाव बंद हो जाएगा, इस साल के चुनाव से पहले क्या ईवीएम पर रोक लग जाएगी। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां मायावती ने यह कहा कि आज विपक्षी पार्टियों को एक होने की जरूरत है, साथ आने की जरूरत है, तो वहीं ईवीएम को लेकर भी वो अपनी बात कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि ईवीएम और सरकार के बीच एक सांठगांठ चल रही है, सरकार और ईवीएम दोनों मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आज दोनों की मिली भगत से विपक्ष को नुकसान हो रहा है। हालांकि विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि अब वो शांत रहने वाली नहीं है, खास तौर पर ईवीएम के मुद्दे पर, क्योंकि ईवीएम जैसा मुद्दा जो आज चर्चा का विषय, बहुत गंभीर मुद्दा है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो विपक्षी पार्टियां ये कह रही कि ईवीएम में गड़बड़ी कराकर बीजेपी चुनावों को जीत रही है, और इसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में मिले हैं। विपक्षियों का ये कहना था, विपक्षी पार्टी के नेता जिनमें अखिलेश यादव का ये बयान सामने आता है कि भाई वीवीपैट मशीनें इधर उधर पड़ी रहती हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी के नेता का ये बयान सामने आता है कि बटन कहीं दबता है और वीप की वॉइस कहीं से आती है,
तो जो पूरे माहौल को इस वक्त देखा जा रहा है और जो पूरा माहौल इस वक्त का बना है, ये क्या जाहिर तौर पर नहीं बताता, ये क्या साफ तौर पर नहीं बताता कि क्या वाकई भाई एक तस्वीर जिस तरीके की देखी जा रही है वो बहुत ज्यादा परे है, बहुत ज्यादा अलग है। देखिए सीधे सीधे तौर पर अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि चुनाव से पहले ईवीएम बैन करवाने को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट आती नजर आई हैं। चाहे मैं जिक्र कर लूं अखिलेश यादव का या तेज प्रताप यादव का, तेजस्वी यादव का, ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर लें, या कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसका जिक्र कर लें, तो फिलहाल जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से एक साथ आते नजर आ रहे हैं, तो ये तो चीजें बताती हैं कि ईवीएम का मुद्दा अगर विपक्ष लेकर उठ रहा है, हालांकि उनका ये कहना है कि सड़क से संसद तक इस पर जो है चर्चा की जाएगी और संसद में ईवीएम का मुद्दा रखा भी जाएगा, और ईवीएम से चुनाव अगर बंद हो जाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से जो चुनाव होगा वो चुनाव सही होगा? क्या उसमें धांधली नहीं हो सकती? क्या बैलेट पेपर से जो चुनाव होगा उसमें किसी तरीके की जो है गड़बड़ी नहीं आएगी? केवल ईवीएम में गड़बड़ी आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ अगर बातें देखें तो चुनाव आयोग की अपनी दलील है, विपक्ष अपनी दलील को रख रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि अगर लोकतंत्र सही मायने में बचा है तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जांच करने की हिम्मत तो चुनाव आयोग में है नहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों की घिघी बनी पड़ी है। चुनाव आयोग के अधिकारी जो है वो आज हम क्या देख रहे हैं कि भाई वो सवाल नहीं कर पा रहे सरकार से। जहां विपक्ष पीएम मोदी की डिग्री को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहा है, जहां विपक्ष पीएम मोदी की डिग्री को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहा है, और ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि पीएम मोदी को अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, लेकिन दस्तावेज दिखाने की बात कही जाए तो विपक्षी पार्टियों को नंबर आ जाता है कि विपक्षी पार्टियां अपने दस्तावेज दिखाएं। तो ऐसे में क्या वाकई चुनाव आयोग मिला हुआ है मोदी सरकार से, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, और चुनाव आयोग की इसी मिली भगत से क्या विपक्ष को नुकसान हो रहा है? देखिए क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता भी लगातार ये कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र रह ही नहीं गया। लोकतंत्र में जिस तरीके की स्थिति को हम देख रहे हैं ये जाहिर तौर पर बता रहा है, लोकतंत्र में जिस तरीके के हालात को देखा जा रहा है ये साफ तौर पर बता रहा है कि भाई लोकतंत्र लोकतंत्र रहा ही नहीं, और लोकतंत्र में इस तरह की चीजों का होना ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद अब आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन को देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष अब दबने वाला नहीं है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद से विपक्ष और मजबूत हुआ है, और विपक्ष जहां राहुल गांधी का समर्थन कर रहा है, जहां पूरी विपक्षी पार्टियां एकजुट होती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर को क्या देखा जा रहा है, दूसरी तरफ के हालात को इस हिसाब से देखा जा रहा है कि भाई मौजूदा समय के अंदर एक परिवर्तन हो रहा है, मौजूदा समय के अंदर एक बदलाव हो रहा है, और जो बदलाव इस वक्त देखा जा रहा है, ये जो बदलाव की किरण इस वक्त नजर आ रही है, तो क्या ये नहीं बताती है कि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से एकजुट हो रही हैं और आज विपक्ष पर ही तमाम छापे, आज विपक्ष से ही चुनाव आयोग सवाल पूछता है, ईवीएम का मुद्दा उठता है तो चुनाव आयोग उसमें जो है वो गोलमोल करने का काम करता है, यानी कि वो विपक्ष को उलझाने का काम करता है, जबकि तो तस्वीर कुछ और ही है ना। देखिए भाई सीधे सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करवा पा रहा है, जो पीएम मोदी की डिग्री की जांच नहीं करवा पा रहा है, वो ईवीएम को लेकर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है? विपक्षी पार्टियां नहीं कह रहे, विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें तो यही। देखिए सीधे तौर पर अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो अभी की हम हालात को देख रहे हैं उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है, उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ईवीएम से चुनाव जो है वो रुक जाते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियां जिस जीत को लेकर बात कर रही है वो उनकी होती नजर आएगी? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।